मैं जा रही हूँ घर फाइनली, वो भी क्रिसमस के लिए। कि मेरे मम्मी पापा दीदी किसी को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, तीनों के लिए सरप्राइज है। इसको सरप्राइज देने ऊपर जा रहा था, ये खुद नीचे आ गई। किसी की तो आवाज। पहले का तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चेहरे पे एक बहुत ही अलग खुशी दिख रही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों खुश हूँ। पहली बात कि मैं पहले नहीं 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 पहली बात तो ये है कि मैं जा रही हूँ घर फाइनली, वो भी क्रिसमस के लिए। तो यस, आप लोगों ने करेक्ट सुना है कि मैं जा रही हूँ घर, वो भी क्रिसमस के लिए फाइनली। मेरे को लगा नहीं था कि मैं इस बार क्रिसमस फैमिली के साथ बना पाऊंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप एंड ऑल। मेरे को लगा था कि यार इस बार शायद बैंगलोर में ही बनाना पड़ेगा, घर नहीं जा पाऊंगी। बट हिम्मत करके मैंने अपने स्टोर मैनेजर से मैंने बोला कि मेरे को छुट्टी मिल सकता है क्या, मेरे को घर जाना है क्रिसमस पे। एंड शी इज सो कूल एंड शी इज सो नाइस। शी इज लाइक, हाँ मैं मैनेज कर लूंगी, कितने दिन का चाहिए और कब तक से, मतलब कब से कब तक का चाहिए वो बता देना। और उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दिया। यस, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, बट मेरे को ये बात की खुशी कि मैं क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ बनाने वाली, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स हो या कुछ भी अच्छी चीज है या ओकेशन हो, मेरे को फैमिली टाइम कभी मिस करने का मन नहीं करता है। कि वो जो मौका मेरे पास है मेरी लाइफ में कि जहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, क्रिसमस मनाओ या कोई अदर फेस्टिवल्स या कुछ भी हो, बस मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। क्योंकि कहीं पर भी मैं क्यों ना हूं, चाहे बैंगलोर हो चाहे कहीं और हो, बट जब घर जाने का टाइम है तो आप जाओ। मैं सबको बोलूंगी, अगर आपके पास गई, आप बाहर पढ़ रहे हो, दूर हो, घर से दूर हो, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज घर जाओ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड आपको करना चाहिए। कहीं पे भी क्यों ना हो, बट घर जाने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी लाइफ में कभी नहीं छोड़ती, ना मैं कभी छोड़ने वाली हूँ घर जाने का मौका। एंड फाइनली आई एम गोइंग, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं मतलब काम से वापस आई हूँ और पूरा मेकअप वेकअप शेकअप आ देख ही रहे हो, आईलाइनर सब लगा हुआ है। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट, पहले तो पैकिंग करती हूँ, क्योंकि पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं लूंगी, वही सारे विंटर क्लोथ्स है, क्योंकि भोपाल में बहुत गंदी वाली ठंड है, बहुत, और मेरे से ठंड सहन होती नहीं है। तो अभी फटाफट पैकिंग करते हैं, और सुबह वाली फ्लाइट है आज की है, मतलब 12 तो क्रॉस हो ही चुका है, तो आज की मेरी फ्लाइट है सुबह की। तो मैं निकलूंगी ऑलमोस्ट 4:30 अराउंड, मॉर्निंग मॉर्निंग निकलूंगी और मेरी फ्लाइट है। और मैं 9 बजे करेक्ट 9 बजे मैं भोपाल में होंगी। और एक और बात है कि मेरे मम्मी पापा दीदी किसी को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, तीनों के लिए सरप्राइज है। बट आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अभी जस्ट मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, अभी जस्ट नहीं कुछ घंटे पहले मम्मी से वीडियो कॉल पे, टाइम पीरियड गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और मेरी दीदी ऐसे कि तू इतने दिन के लिए आ रही है, तू इतने दिन को जा रही है, मतलब आ कब रही है। अच्छी बात है, मेरे को नहीं पता कि वो समझी कि नहीं समझी, मम्मी तो नहीं समझी है फॉर श्योर, दीदी का मेरे को नहीं पता। और कल मम्मी दीदी दोनों घर पे रहेंगे, क्योंकि मम्मी की भी छुट्टी है और दीदी भी घर पे ही है। पापा नहीं रहेंगे तो पापा को सरप्राइज अलग तरीके से करेंगे, बट मम्मी और दीदी को तो सुबह ही सुबह सरप्राइज मिल जाएगा। जो कि मम्मी आज ही मेरे को बोल रही थी, तू आएगी तो अपन बैठेंगे करके ये वो। और मेरे को एक और अच्छी न्यूज आपको देनी है, मतलब अच्छी न्यूज मतलब ऐसे सुन के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिली, ये चीज मैं मम्मी के साथ आपको दूंगी। तो वही है कि बस समझ ना जाए कि मैं आ रही हूँ। और मैंने सबके लिए उनका जो उनको चाहिए रहता है वो मैंने सबके लिए ले लिया। मम्मी का, मेरी मम्मी का बर्थडे था 18 दिसंबर को, तो मैंने उनके लिए भी गिफ्ट ले लिया, पापा के लिए भी ले लिया और दीदी के लिए भी ले लिया, जो जो उनको पसंद है वो सारी चीजें। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट, पहले पैकिंग करती हूँ। बहुत मेरा बड़बड़ बड़बड़ हो गया, ये पूरा वीडियो स्टार्ट हुआ है पूरा बड़बड़ाने से, बट आप लोगों को पता होना चाहिए सारी चीजें। तो अभी जाती हूँ फटाफट पैकिंग करती हूँ, फेसेस धोती हूँ, ज्यादा देर तो मैं सोऊंगी नहीं, मेरे को भी पता है कुछ घंटों की नींद लूंगी। और फिर उठ के, किसको नींद आती है भाई घर जाने से एक दिन पहले, किसको नींद आती है, मेरे को कभी नहीं, ना मेरे को कभी नहीं आती। मैं अपने में रहती हूँ अपने मजे में, मेरे को कभी आज तक नींद नहीं आती है। मैं आज काम पे भी इतने खुश थी, मस्त काम कर रही हूँ और अंदर अंदर ऐसी खुशी मिल रही है कि प्रिया तू फाइनली घर जा रही है, क्योंकि मेरे को लगा था कि इस बार पॉसिबल नहीं है जाना, बट
जब वो है मेरे साथ तो कैसे पॉसिबल नहीं। हाँ, जा रही हूँ मैं घर। तो अभी मेरे सूटकेस खुल चुका है, फटाफट पैकिंग करती हूँ और फिर देखते हैं, विनी के साथ बैठ के बात करूंगी और फिर सोएंगे। और फिर अब आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलती हूँ एयरपोर्ट में, केम्पे गोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक ले, बाय बाय। तो मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। मैंने पहले फ्रेश राइस भी ले लिया है खाने के लिए। तो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ एन आवर है, क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि टाइम से पहले आऊँ। मेरे को भागना दौड़ना और मिस करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए अभी फ्राइज ले लिया है KFC से वो भी। तो अभी मस्त खाती हूँ हाफ एन आवर तक। तभी फटाफट खाते हैं और फिर और मेरे से ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वो मैं घर पहुंच के आप लोगों को बताऊंगी क्या हुई है। मौसी का देख के समझ गई जूता का कौन है। हाय बेटा, बताती नहीं है रे क्या बताती। हेलो दीदी ऊपर है, इसको सरप्राइज देने ऊपर जा रहा था, ये खुद नीचे आ गई। किसी की तो आवाज आ रही है। ये आ गई, ये क्या मैं कर रहा है, बोल रही नहीं मैं उल्लू बना रही थी ना। मम्मी तो मम्मी शौक, मम्मी हंस रही है। अरे चुप कर, अभी मम्मी के साथ ऊपर जा रही थी, तू ही नीचे आ गई है, नाला है। तो बहुत दीदी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले केक एंड ऑल के, वही सब बन रहा है। ओ माय गॉड, ये सारे डन है। टेस्ट कराने के लिए तो दो, कैसा बिजनेस चला रही हो, टेस्टिंग के लिए कुछ है नहीं, सब पैकेट है। ओ उनको भी विश्वास नहीं है। बट अच्छा लग रहा है देखने में। बेटा ऐसे पैक करते जाना बेटा, रम वाला बनाना ना, रम केक। रम केक ऑर्डर है भाई, है केक ऑर्डर। शानदार शानदार, बनाओ बनाओ। और 50-50 ना, आई एम योर मैनेजर, आई एम योर बिजनेस पार्टनर। तो आप जब 50-50 होना है सब कुछ। मम्मी और मेरा मस्त ब्रेकफास्ट चल रहा है, पोहा जली हुई। ये तो उसको बुला बुला के थक जाए इंसान। इस तेरी जिंदगी में पीस है? हाँ पीस ही पीस है, केक पीस है। दीदी के लिए मैं ये गिफ्ट लाई हूँ, और मम्मी का गिफ्ट तो आपको कहानी बताती हूँ। बहुत ही अनोखी कहानी। मैं जो मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मम्मी से ही मिला है मेरे को याददाश्त कमजोर। आधे से ज्यादा ये मैं दीदी के लिए लाई, खोल के देख। एक तो ये खुद अपना बेकरी रन करती है, तो इसके लिए मैं सिर्फ यही सारी चीजें लाती हूँ। ट्राई करके बता, जा स्पून लेके आ, किसी के अंदर है नहीं है, जाओ लेके आओ। बहुत टेस्टी। कैसा है, जल्दी बता। एक नंबर। और वो वाला जो लाई थी पिछली बार के, पिछली बार वाला ब्राउनी, उससे पिछली बार का थोड़ा हार्ड था इसके अकॉर्डिंग, और ये वाला बहुत सॉफ्ट है, और इसके अंदर अलग से चॉकलेट आता है ना। हाँ क्या है ना, टेस्टी। देखा है। हाँ तो जब तो मैं ये सारी चीजें खिला रही हूँ ना, तो ये सारी चीजें बनाओ भी अभी, ठीक है? या ऐसे ही मम्मी और दीदी मेरे लिए कुछ कुछ लिए हैं। दीदी फ्रॉक है, क्या है, कहाँ पहनना है इसको बताओ तो। घर पे हुडी वाला है ना। हाँ हुडी वाला फ्रॉक शानदार लग रहा है, स्वेटर वाला। वाओ बढ़िया, यही पहनूंगी रोज, शानदार मस्त। दो मेरा मेरी कलर भी अच्छा है। मैंने पहले उठा के यार बेटा, लेके आ जल्दी। फ्रॉक तो दे दिया, फ्रॉक तो दे दिया, मेरा कपड़ा दे दिया, और भी दे दिया मेरे को कुछ कुछ। टोपा टोपा इसकी बहुत जरूरत है भोपाल में, बहुत ज्यादा। ये वाला कैसा है? अच्छा ये वाला टोपू कटोरी नहीं, ये वाला मेरे को प्यारा लगा है, बीनी। ये क्यूट है, क्या है ये पता नहीं, बट ये प्यारा है, ये वाला क्यूट है। ऑनटेनिंग है, ऑनटेनिंग है, दोनों सेम है। यस हाँ फिर ठीक है। सीमी सीमी प्यारा ये। इधर बताऊँ, भोपाल में बहुत प्यारे प्यारे ग्लव्स मिलते हैं गाइस। कितने का है ये? कम का ही होगा ना ये। हाँ सी गाइस, जस्ट 450, इतना प्यारा।
और मेरा था वो तो मैं बैंगलोर में ही छोड़ के आई हूँ, जो जो मेरे पास थे। थैंक यू, जा जल्दी रेडी हो, क्या मेरे को बाहर लेके जाएगी फिर ये। तो अभी दीदी और मैं आए थे बाहर मार्केट, कुछ कुछ उसको सामान लेना था। तो अभी हम लोग सिटी जो मार्केट है वहाँ पे आए हैं, शर्मा चाट जो कि बहुत फेमस शॉप है सिटी की, वहाँ पे चाट खाने। तो दोनों छोले टिक्की खा रहे हैं, देख सकते हो। और दोनों को तीखी चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मीठी चटनी ज़्यादा डलवाई है। तो अभी खाते हैं, और ये फेमस शॉप है गाइस शर्मा चाट। दादा ने दिल भी रहती है ना। मेरे पापा आ चुके हैं बाहर, और मैं दौड़ के अंदर किचन के साइड पीछे साइड आ गई, उनको भी सरप्राइज मिलेगा अभी। तो अभी यहाँ पे छुपी हुई हूँ, वो जैसे आएंगे फिर उनको सरप्राइज करूंगी। लेट्स सी उनका एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है। उनको पता है मैं आ रही हूँ, बट कब वो नहीं, वो किसी को नहीं पता था। कड़ू नहीं तो, अरे चकलू नहीं तो, देखो बिना मिले जा रहे हैं बस। वो तो मैं वहीं से देखा था, प्लेन वहीं से गुजर रहा था, वहीं से देखा था, प्लेन वहीं से गुजर रहा था। पापा का सरप्राइज, सरप्राइज गिफ्ट, पापा का सरप्राइज गिफ्ट। अभी आने दो फिर देती हूँ। नहीं जाना, मत जाना। अरे अभी देखा, हंसी पहले पहले एक ही देख, एक ही पहले का रखा है वो तो खत्म कर रहे। नहीं ये भी मतलब एक साल में खत्म होता है, एक का तो पैसे भेजा था, एक का नहीं तीन का भेजा था। अच्छा बताओ ये कितने का है? ये 200 का नहीं। तो याद है कि मैं जब एयरपोर्ट पे बैठी थी तब मैंने बोला था कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो वो गलती ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट लिया था, राइट। तो ना जिस दिन मैंने बर्थडे गिफ्ट लिया था, तो मैं पैदल चल के आ रही थी और मेरे को माजा पीने का मन करा, तो मैं एक शॉप पे रुकी थी माजा कलर खरीदने के लिए। और मैंने बाय मिस्टेक, मेरी मेमोरी बहुत बहुत वीक है, आई एम टेलिंग, बहुत वीक है। मैं चीजें ऐसे भूलती हूँ, ऐसे कुछ कुछ मैं बहुत अच्छे से याद रखती हूँ और कुछ कुछ मैं ऐसे भूल जाती हूँ। मैंने पेमेंट करते वक्त मैंने वही बॉक्स को वहीं पे रख दिया और मैं भूल गई। और मेरे को दूसरे दिन पूरे दिन नहीं याद रहा कि वो गिफ्ट नहीं है, पूरे दिन याद नहीं रहा। और जब मैं पैकिंग करने गई तब मेरे को याद आया कि प्रिया वेयर इज दैट बॉक्स। और मैं इतनी हाइपर हो गई थी, मैं विनी को बोल रही हूँ कि विनी मैं लेके आई थी, तूने देखा था कि नहीं देखा था मेरे हाथ में है कि नहीं है। और मैं पूरा घर छान मारी, मेरे को वो बॉक्स कहीं नहीं मिला। फिर मैंने जब अपना दिमाग लगाया तब मेरे को याद आया कि तूने पेमेंट करते हुए वहां पे बॉक्स छोड़ दिया था। और मेरे को उस चीज का इतना बुरा लगा, इतना बुरा कि मम्मी के लिए मैंने इतने दिल से वो चीज ली थी और मैंने मेरी लापरवाही से मैंने उसको वहां छोड़ा है। और मेरी लापरवाही से मेरे को याद नहीं रहा कि वो बॉक्स मैंने वहां छोड़ दिया। बट फिर मैंने विनी को बोला कि एक काम करना, मैं आज ही आई ना, तो मैंने आज ही उसको बोला था कि आज जाके एक बार चेक कर लेना अगर उस शॉप में है क्या है तो वेल एंड गुड, है तो प्लीज कुरियर करा देना एज सून एज पॉसिबल, कुरियर कराना। तो विनी मेरे को कॉल करके बोली, 9 बजे आसपास कॉल करके बोली कि प्रिया है करके, बॉक्स विनी के पास था, अंकल के पास था, शॉप में ही था, मेरे को मिल गया है, तू एड्रेस भेज देना, मैं कुरियर करा दूंगी। तो फाइनली मम्मी का गिफ्ट कुरियर होके आ रहा है, बस टूट फूट ना जाए क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, बस मेरे को इस चीज का डर लग रहा है। बट यही एक था कि मेरी मिस्टेक, मेरी लापरवाही मेरे को इस मोड पे लाके खड़ा कर दी कि मैं मम्मी के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाई थी और मैं उनको अभी नहीं दे पाई और आप लोगों को भी नहीं दिखा पाई। तो मैं शाम को सो गई थी और फिर डायरेक्ट 10:30 बजे उठ रही थी, सो के खाना खाया फिर, और मैं सब खाना वाना सब हो चुका है, मैं आराम भी कर ली, मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी क्योंकि मैं पूरी रात भी नहीं सोई थी उस दिन, सिर्फ 1 घंटा सोई थी इसलिए बहुत नींद सब आ रहा था। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है, अभी जाएंगे सोने आराम से और कल उठेंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ गाइस, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।